देखो मैंने फटे पुराने कपड़े लिए हैं, इनसे मैं दरी बनाऊंगी। और ये देखें बिल्कुल ये पुराने हैं, यूज में नहीं आते हैं ये। इसी की मैं पट्टियां फाड़ के बताती हूँ कि कितनी इंच की मैंने पट्टियां फाड़ी। ये देखो एक इंच की हम पट्टी इसमें से निकालेंगे, एक एक इंच की इस तरीके से फाड़नी है। ये देखें यहाँ पे हम ये ज्वाइंट रहेगी, फिर देखें एक इंच की तरफ से, एक इंच फिर से देखें इस तरह से। इसी तरह से हम पट्टियां निकाल लेंगे। तो निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखा। हमने गोले बना लिए हैं, इनके छोटे छोटे गोले बनाए हुए हैं। अब मैं चारपाई को भरना स्टार्ट करूँगा। सूत लिया है, सूत में इस तरह से हमने एक नॉट लगा ली है, ये देखें। अब देखें जातरफ हम नीचे से इस तरह से लेंगे, ये देखो टाइट करते हुए फिर से हम जाएंगे। इस तरह हमने ऊपर की साइड से लिया, ये देखें टाइट करते हुए। इसी तरह से हम चार बार यहाँ पे कर लेते हैं, फिर हम नॉट लगा के आपको यहाँ पे हमने चार ऊपर हो गए हैं, ये देखें यहाँ पे एक दो तीन चार और तीन नीचे की साइड पे, एक और ये दो तीन। तो तीन के बाद देखें इस तरह से हमें नॉट लगानी है, ये देखें। देखें हमने डबल नॉट इसमें लगा ली है। अब फिर से देखें इस तरह से हम इसको पूरा जाल बना लेंगे इसका। इसी तरह से अब बनाना है, ये बिल्कुल पास पास करेंगे, ये देखें आधी इंच का इसमें अंतर रखें। ये देखें ऊपर की तरफ से फिर नीचे की साइड से लेंगे, इसी तरह से पूरा जाल बना लेना है। ये देखें नीचे की साइड से थोड़ा टाइट करते जाएंगे और इसको इसी तरह से हम पूरा जाल बनाते जाएंगे। तो पूरा मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखा। सारी चारपाई को पूर लिया है इसको, अब यहाँ पे लास्ट में नॉट लगाएंगे। छह धागों में नॉट लगानी है, तीन नीचे से और तीन ऊपर से, इस तरह से जिस तरह से हमने शुरुआत में नॉट लगाई थी, ये देखें। ये देखें एक बार और हम लगा देंगे तो डबल नॉट हो जाएगी। ये देखें और इसी तरह से ये देखें हमने पूरी चारपाई पे इसी तरह से हमने जाल बना लिया। ये देखें यहाँ पे मैंने नॉट लगा ली है, अब दरी की शुरुआत होगी। ये देखें इसमें से हम एक उठा रहे हैं नीचे वाला और ऊपर वाले को दबाते जा रहे हैं, ये देखें। ये देखें एक उठाया एक दबाया, एक उठाया एक दबाया, उठाया एक दबाया, ये देखें। इसमें से हम गोले को इस तरह से निकालते जाएंगे, तो इसी तरह से इसको निकालते जाएंगे। ऊपर वाले हम दबाते जा रहे हैं, नीचे वाले को एक को उठाते जा रहे हैं इस तरीके से, ये देखें।
इसी तरह से मैं एंड तक पहुंचती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैं एंड में आ गई हूँ। आप देखें किस तरह से हम इधर से उधर जा रहे हैं। ये देखा, तीन हमने ऊपर वाले लिए, अब तीन हम नीचे वाले लेंगे, तीन धागे। अब देखें जो हमने उठाए हुए हैं, ये देखें, अब हम इधर से उधर जाएंगे। जो दबे वाले फिंदे हैं उनको उठा लेंगे और ऊपर वाले हम नीचे वाले उठा लेंगे और ऊपर से दबा देंगे। इसी तरह से हम फाँकते जाएंगे, इसको एकदम से मिलाते जाएंगे। एंड में पहुंचती हूँ, फिर आपको देखें। इधर हम एंड में आ गए। ये देखें इस तरह से, अब देखें ऊपर वाले तीन धागे, अब नीचे वाले से तीन धागे करेंगे। ये देखो इस तरह से साइड से हमें इसी तरह से तीन तीन धागे लेने हैं, फिर हम एक दबाएंगे फिर एक उठाएंगे। ये देखें इस तरह से, इसी तरह से हम एंड तक बनाते हुए फिर से मैं एंड में आ गई। फिर से देखा, तीन वाले हमने ऊपर से लिए, ये देखें इस तरह से यहाँ पे, फिर नीचे से तीन। अब हम एक एक करके फिर से उठाते जाएंगे और दबाते जाएंगे। ये देखें एंड में पहुंचती हूँ इसी तरह से, फिर मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो मैं एंड में आ गई हूँ। ये देखें अब हम नीचे से तीन फिर लेंगे, तीन धागे, फिर एक दबाएंगे एक उठाएंगे इस तरह से। ये इसी तरह से भरी जाएगी, तो मैं भर लेती हूँ थोड़ी सी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इतनी बना ली है, इसमें हमने चार से पांच गोले लगा लिए हैं। ये देखें ये बहुत ही सुंदर बन के आएगी। ये देखें इसी तरह से बनती जाएगी, जब मैं बना लूँगी पूरी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो हमने बना ली, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम इधर से काटेंगे और सूत को बांध देंगे। तो देखें किस तरह से हम काटते हैं। देखो हम ब्लेड से इसको कट लगाते जा रहे हैं और धागे को निकालते जा रहे हैं इस तरह से। थोड़ा सा काट लेते हैं, फिर इसमें देखो किस तरह से नॉट लगेगी वो देखो। ये देखें दो हमने ले लिए ऊपर नीचे से, और इसमें इस तरह से हम नॉट लगाते जाएंगे। ये देखें फिर से एक बार देख लें ताकि आप अच्छे से नॉट लगा सकें। इसी तरह से हम दोनों तरफ कट लगाएंगे और धागों को निकाल लेंगे और नॉट लगाते जाएंगे, मजबूती से नॉट लगाएंगे। तो लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।